हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी, दिस इज़ हिमानी। सो दोस्तों, अपनी टॉप 500 की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज देखेंगे सॉइल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जो सॉइल साइंस है, बेसिकली सॉइल को हम क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो बहुत सारी लाइफ फॉर्म को सस्टेन करता है। तीन इसके डायमेंशन को हम कंसिडर करते हैं और बहुत सारी लाइफ फॉर्म को ये सस्टेन करता है, इसीलिए इसको सोल ऑफ इन्फाइनाइट लाइफ भी कहा जाता है। दो अप्रोचेस में हम इसको स्टडी करते हैं, एक होती है आपकी पीडियोलॉजिकल अप्रोच, एक होती है इडाफोलॉजिकल अप्रोच। एग्रीकल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन सी अप्रोच इंपॉर्टेंट है, दैट इज इडाफोलॉजिक अप्रोच। ठीक है, पीडियोलॉजी में क्या आता है आपका, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कैश्यू नट, यानी काजू की खेती के लिए कौन सी टाइप की जो सॉइल है वो बेस्ट सूटेड है। ओके, इज इट रेड सॉइल, एरिड सॉइल, लैटराइट सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ओके, देखिए ब्लैक सॉइल का मतलब क्या होता है, जो सॉइल आपकी क्या होती है, काली मिट्टी यानी रेगुर सॉइल इसे हम कहते हैं, है ना। तो रेगुर सॉइल यूजुअली आपको कौन से बेल्ट में मिलती है, तो ये आपका सेंट्रल बेल्ट हो गया, जहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल प्रिविलेंटली देखने को मिलेगी। ओके, रेड सॉइल की बात करेंगे, देखिए एरिड सॉइल तो पहले ही ऑड वन आउट हो जाएगा। लेटराइट की बात की गई है, कैश्यू की बात की गई है। कैश्यू यूजुअली कहाँ पर होता है, जो आपका मालाबार रीजन है, केरला वाला रीजन, वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए लेटराइट मतलब क्या होता है, जो सॉइल आपकी लीचिंग से डेवलप हुई है। ओके, तो आपके जो बेसिस होते हैं वो यूजुअली लीच कर जाते हैं, आयन बच जाता है, तो इसलिए ये कौन सी सॉइल होती है, कैश्यू नट के लिए जो बेस्ट सॉइल होती है वो लेटराइट सॉइल होती है। हालांकि मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देती हूँ, बहुत बार पूछा जाता है रेड सॉइल में रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो आयन के ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है। एरिड सॉइल कौन सी सॉइल हो गई, जिनमें रेनफॉल क्या होती है, बहुत मिनिमम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर आप इसे कह सकते हैं, तो यहां पर प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल होता है और रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये कौन सी सॉइल हो जाएगी, लेटराइट सॉइल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रासलैंड्स के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, लेटराइट सॉइल। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वो सारे सोर्सेज जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, उनको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। आपसे पूछा गया है एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट, आप सभी को पता है जब हम क्या करते हैं, सॉइल में एसिडिटी क्रिएट करने के, जब हम बोलते हैं कि सॉइल में एसिडिटी कंडीशन क्रिएट हुई है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक रीज़न क्या होता है कि हम उन फर्टिलाइजर को यूज़ कर रहे हैं जिनका रेजिडुअल इफेक्ट क्या है, एसिडिक है, है ना। तो उन केसेस पर हमको क्या करना चाहिए, अगर हम उसको रिक्लेम करना है, तो एसिडिक फर्टिलाइजर वाले रेजिड्यू, जो आपके एसिडिक रेजिडुअल फर्टिलाइजर है, उनको स्प्रे हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, उनमें से एक रीज़न होता है कि बहुत रेनफॉल वाला एरिया है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो बेसिस होते हैं वो लीच कर जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या होता है, अगर आपका जो पेरेंट मटेरियल है वो एसिडिक है, उससे जो सॉइल डेवलप हुई है, तो वो भी बेसिकली कौन सी सॉइल होगी, वो भी एसिडिक सॉइल होगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एसिडिक रेजिडुअल इफेक्ट शो करता है। ओके, यूरिया, यूरिया आप सभी को पता है यूरिया का क्या एसिडिक इफेक्ट होता है। ओके, तो उसके बाद उसके लेफ्ट ओवर रेजिड्यू, मतलब ये पीएच को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और ये कौन सी कंडीशन क्रिएट करता है, एसिडिक। ठीक, अब यूरिया देख के सीधे यूरिया पे टिक नहीं करना है, पहले अमोनियम सल्फेट भी देख लेना है, अमोनियम क्लोराइड भी देख लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको आंसर तो पता चल गया कि ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कि इसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रल फर्टिलाइजर कौन सा होता है। ओके, तो न्यूट्रल फर्टिलाइजर होता है आपका CAN, दैट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और ये क्या होता है, किसान खाद हम इसको कहते हैं। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, कैन फर्टिलाइजर या फिर किसान खाद कहा जाता है, जिसका रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल फर्टिलाइजर ये होता है। ओके, अब इसमें देखिए प्रिविलेंट क्या है, जो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है क्लोराइड और इसका सल्फेट, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से इनका क्या कंडीशन होती है, क्योंकि ये बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl हो गया, चाहे सल्फेट हो गया, H2SO4 हो गया, तो जब ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो आपका बनेगा कंपाउंड, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, उसमें ये क्या है, इसका जो काउंटर पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एसिडिटी कंडीशन वाली, एसिडिटी की कंडीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द इन आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। ओके, तो देखिए मैग्नीशियम मैंने आप सभी को बताया है कि ओल्डर लीव की जब बात की जाएगी तो कौन से न्यूट्रिएंट होंगे, NPK, Mg,
एमओ है ना, और इनकी डेफिशिएंसी कहाँ पर होगी, हमेशा ओल्डर लीफ पे होगी। सही पूछा गया है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात की गई है, ओल्डर लीफ बिल्कुल सही है। इंटरमिनल क्लोरोसिस, तो ये भी आपको पता है कि अगर आयरन पूछा जाएगा तो अपर लीफ पे होगा और मैग्नीशियम पूछा जाएगा तो ओल्डर लीफ पे होगा, तो ये तो सही हो गया। जिंक आप सभी को पता है, खैरा डिजीज हुई, वाइट मेज ऑफ बर्ड हुआ, ये सब किसकी वजह से होता है, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, जो आपका सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है, चलिए ये किसकी वजह से होता है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता देती हूँ। जो आयन होता है, बेसिकली आयन की डेफिशिएंसी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, अपर लीप पे, ओके। तो अगर आपको देखने को मिलेगा सिम्टम, जो उसका बेसिक सिम्टम होता है, या तो क्या लिखा होगा कि इंटरविनल क्लोरोसिस, नहीं तो कहीं पर क्या होगा, वाइट पैची अपेरेंस भी बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है, तो वो भी इसी का सिम्टम होता है, ओके। तो फॉस्फोरस अकमलेशन ऑफ फ्री रिड्यूसिंग शुगर, तो ये भी सही है। फॉस्फोरस को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो एम पी आर ए का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला, तो उसको उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पास क्या दी गई है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, बल डेंसिटी दी है, पार्टिकल डेंसिटी दी है, आपको क्या निकालनी है, पोरोसिटी निकालनी है। कैसे निकालते हैं, 1 - BD/PD × 100, ठीक। तो 1 - BD कितना है आपके पास, 1.325। पार्टिकल डेंसिटी कितनी है, 2.65 × 100, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2.65 - 1.325, 1.325/2.65, तो 13 × 26, तो ये 0.5 हो जाएगा, 0.5 × 100, यानी 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पोरोसिटी कैसे निकालते हैं, 1 - BD/PD × 100, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक बोरोन मैगनीज मॉलिब्डेनम आयन एंड कॉपर आर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब अगर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, तो आपको सिंपली दे रखा है कि यहाँ पर क्या है, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। लेकिन इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, सिर्फ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट पता होते तब आपका आंसर नहीं बनता, ओके। तो आपने आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्रो है, मतलब आप सिंपल लॉजिक भी लगा सकते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होगा, छोटा, है ना, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होगा जो। तो आपको ऑप्शन में देखते हैं हम क्या दिया है, न्यूट्रन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, न्यूट्रन रिक्वायर्ड मेजर क्वांटिटी, इनको तो हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे मैक्रो, है ना, जिनको हमको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में प्लांट को ये रिक्वायर्ड है, विच आर नॉट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये भी नहीं होगा, रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज़, ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली ये भी क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ओके। इसेंशियल कितने होते हैं, 17 होते हैं, जिसमें से मिनरल कितने होते हैं, 14 होते हैं, ओके। और ये क्या हो गए, माइक्रो, ओके, माइक्रो, लेकिन ये भी इसेंशियल होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ IoT बेस्ड ऑटोमेटेड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म आल्सो कॉल्ड एज कृषि रास्ता, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि अभी एक नया प्लेटफॉर्म आया आपके पास, IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसको रैपिड सॉइल टेस्टिंग कहा जाता है, यानी उसमें क्या है, विद इन 30 मिनट्स आप 12 सॉइल पैरामीटर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको क्या कहा गया है, उसका नाम क्या है, तो बेसिकली इसका नाम क्या है, भू विजन है, ओके। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, भू विजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो भू विजन क्या है, ये डेवलप किया गया है, इसको कृषि रास्ता भी कहा जाता है, और इसका बेसिक एम क्या है कि विद इन, बहुत पोर्टेबल डिवाइस है, IoT बेस्ड है, और 30 मिनट्स में आपको क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा, ओके। 12 सॉइल पैरामीटर्स को ये मेजर कर लेता है, ओके। कन्वर्जन ऑफ, अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली CCI के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और यही सेम क्वेश्चन ना MPRO में भी पूछा गया था, ओके। तो ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ NH4 अमोनिया को हम जब किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करते, नाइट्राइट में। तो सीधे नाइट्रोबैक्टर देख के आंसर टिक नहीं करना है, सोचना है पहले, ओके। तो पहले किस में कन्वर्ट होगा, NO2 नेगेटिव में, फिर क्या होगा, NO3 नेगेटिव में। जब NO3 यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, तब आंसर क्या होगा, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसिस्टिड है, तब आंसर हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रोबैक्टर, ओके। अगर आपसे पूछा गया है पहला स्टेप के बारे में, NH4 पॉजिटिव से आपका कहाँ जा रहा है, NO2 नेगेटिव में जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोसोमोनास हमारे पास है ऑप्शन में,
ठीक है जी, डी ऑप्शन है तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सीडोमोनास क्या होता है? डी नाइट्रिफिकेशन जो प्रोसेस होती है, यानी सीडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंट्स वहाँ पर यूज होता है. डी नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूवल, है ना. तो आपका क्या है, ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, वापस क्या होते हैं एटमोस्फेरिक N2 या N2O में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. वो एक टाइप का लॉस है. अमोनिया से सबसे ज़्यादा कौन सा लॉस होता है? वॉलेटलाइजेशन लॉस होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? नाइट्रोसोमोनास. ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर प्लांट से. बोरोन डिफिशियंसी का इंडिकेटर प्लांट आपको बताना है, ठीक है. अब आप सभी को पता है बोरोन की डिफिशियंसी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? टिप वर्ड पर, है ना. कैल्शियम और बोरोन की डिफिशियंसी कहाँ होती है? टिप पे. तो कपिंग, कर्लिंग, हुकिंग, ये सारा सिम्टम कहाँ पर होगा? बोरोन डेफिशिएंसी के केस में. कौन सा होता है इंडिकेटर प्लांट? तो सनफ्लावर इसका इंडिकेटर प्लांट होता है. सनफ्लावर की फैमिली पूछेगा तो आपको पता होनी चाहिए एस्टेरेसी. ओके, इन्फ्लोरेसेंस पूछेगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या होता है, हेड या फिर कैपिटलम. ओके चलिए, कॉलीफ्लावर किसका होता है? तो बेसिकली मॉलीबडनम का इंडिकेटर प्लांट क्या होता है? कॉलीफ्लावर होता है. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP जिसे हम कहते हैं, इसका भी क्या होता है इंडिकेटर प्लांट? सनफ्लावर होता है. ओके चलिए, आपसे क्या पूछा गया था? बोरोन का. ओके, तो ये क्या होगा? सनफ्लावर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एडिशन ऑफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है. तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? एंटागनिस्टिक. ओके, अब एंटागनिस्टिक का मतलब क्या हुआ? कि जो न्यूट्रेंट आपस में एक साथ एक की अगर प्रेजेंस ज़्यादा होगी तो दूसरे की प्रेजेंस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगी. ओके, तो आप सभी को पता है कि एंटागनिस्टिक क्या होते हैं? फॉस्फोरस और जिंक आपस में एंटागनिस्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है. तो अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जिंक की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस जिंक अवेलेबिलिटी. ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, तो आपको बताना है इग्नियस रॉक का. ओके, तो रॉक साइकिल अगर आपने पढ़ी होगी तो आपका जो मैग्मा होता है ना, तो उसको सॉलिडिफाई जब होता है तो आपकी कौन सी रॉक डेवलप होती है? इग्नियस रॉक. ओके, मेटामॉर्फिक रॉक किस तरह से होती है? जो आपकी इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक में जब हीट और प्रेशर लगता है तो उस वजह से क्या डेवलप होती है? मेटामॉर्फिक रॉक डेवलप होती है. ओके, तो आपने बताना है इग्नियस रॉक. तो बहुत आसान है, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं. ग्रेनाइट बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल होता है? इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है. ओके, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये किसका एग्जाम्पल होता है? सेडिमेंट्री रॉक का. ओके, नीस किस्ट कहा जाएगा, तो वो किसका होगा? नीस किस्ट मार्बल, ये किसका एग्जाम्पल होगा? मेटामॉर्फिक रॉक का. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? बेसाल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन सस्पेंशन और सोल्यूशन बाय द परकोलेटिंग वाटर. अपर लेयर से लोअर लेयर में आपके क्या हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं वाटर के साथ. तो इसको क्या कहा जाता है? जब ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर में आते हैं तो उसको कहा जाता है इलूवेशन. जब नीचे की लेयर में अकमलेट हो जाते हैं इसको कहा जाता है इलूवेशन. जमा होने को क्या कहा जाता है? अकमलेशन. जब होता है तो उसको इलूवेशन कहा जाता है, ठीक है. इस तरह से याद रखना, ACCC, है ना. तो अकमलेशन में CC आ रहा है तो यहाँ पर भी LL आएगा. मतलब यहाँ पर भी क्या होंगे? जहाँ पर दो सिमिलर लेटर होंगे वहाँ पर अकमलेट होगा. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? इलूविएशन आंसर होगा. लेटराइजेशन को हम क्या कहते हैं? यानी सिलिका रिमूव होना. तो इसी को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली लेटराइजेशन को ही डीसिलिकेशन कहा जाता है. ओके, तो सिलिका जब रिमूव होता है, यानी डी मतलब क्या होता है? रिमूवल. तो सिलिका जब रिमूव होता है उसको हम क्या कहते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं. इसका उल्टा क्या होता है? पोर्टलाइजेशन. ओके, अब आपसे पूछा गया है फर्टिलाइजर से क्वेश्चन. है बहुत बड़ा आपको स्टेटमेंट दिया है, आप अच्छे से पढ़िए, तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. ओके, तो ये क्या है? टेलर्ड फर्टिलाइजर है, विच आर फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड रिसर्च टेकिंग इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द प्लांट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल दे विल ग्रो इन. ओके, तो ये किसके बारे में बात की गई? देखिए, आपके कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं जो स्पेशली टेलर्ड फर्टिलाइजर इनको कहा जाता है. अब आप नैनो फर्टिलाइजर में देखिएगा, आपको आंसर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, SSNM का ये पार्ट है. ओके, तो बेसिकली ये जो फर्टिलाइजर होते हैं, कस्टमाइज फर्टिलाइजर, इनका मतलब क्या होता है कि जिस एरिया में जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है पर्टिकुलरली, उसको करेक्ट करने के लिए. अब देखिए, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है?
जो स्पेसिफिकली उस एरिया मतलब किसी चीज़ के लिए बनाया जाता है, जैसे कस्टमाइज मग होता है तो पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बनाया गया होगा, है ना। तो उसी तरह से जो कस्टमाइज फर्टिलाइज़र होते हैं उनको किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया गया है। यानी अगर मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में जो सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन में डिफिशियंट है, इसको हमने मान लिया एक कंडीशन, तो वो जो फर्टिलाइज़र नॉर्थ इंडिया के लिए डेवलप होंगे या फिर स्पेसिफिकली यूपी उत्तराखंड की बेल्ट के लिए डेवलप होंगे उनमें क्या होगा, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डेवलप होंगे। ओके, उनको क्या कहेंगे, कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स कहेंगे, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन की सूटेबिलिटी के लिए डेवलप होते हैं उनको कस्टमाइज फर्टिलाइज़र कहते हैं। अब नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो स्केल पर जो डेवलप होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं फर्टिलाइज़र। ओके, और इनकी जो क्या होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो ये होस्ट में इजीली एंटर कर जाते हैं, कैरियर की फॉर्म में भी इनको यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मीजोपोरस नैनोसिलिका हो गया, रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड हो गया, तो इनको हम एज अ कैरियर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैरियर भी इनको यूज़ किया जाता है, एज वेल एज आपके जो प्रॉपर फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। ओके, LCC यानी लीफ कलर चार्ट, तो इसको बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को। तो आपको जैसे फेयर एंड लवली में एक वो आता है ना मीटर, कि आपका फेयरनेस का मीटर कितना होगा, उसी तरह से यहाँ पर क्या आता है कि नाइट्रोजन होगा, तो नाइट आपके पास एक मीटर दिया होगा, तो उसमें क्या होंगे, चार्ट में आपको क्या बना होगा, जो ग्रीन का ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर यहाँ पर आपको इंडिकेट किया जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स होंगे, तो आपको उसे मैच करना है लीव के शेड्स को, आपको पता चल जाएगा नाइट्रोजन डिफिशियंट है या नहीं है। ग्रीन एडिक्वेट अमाउंट में होगा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन सफिशियंट होगा, ग्रीन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगा तो नाइट्रोजन डिफिशियंट होगा। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, कस्टमाइज फर्टिलाइजर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोजन से। अब देखिए इरोजन से एक क्वेश्चन और आता है, इरोजन में जो परमिसिबल लिमिट है वो कितनी है, 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, है ना, इतने तक हम बेयर कर लेंगे ऐसा सरकार कहती है, लेकिन एक्चुअली होता कितना है, 16 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, इतना यूजुअली इरोजन हो जाता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, वाटर इरोजन के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डेथ ऑफ फार्मर किसे कहते हैं। ओके, तो डेथ ऑफ फार्मर किसे कहते हैं, जब आपकी पूरी शीट जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेथ ऑफ फार्मर कहते हैं। ओके, स्प्लैश का मतलब क्या होता है, जो बीटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, यानी जो बारिश का पार्टिकल है, यानी पानी का पार्टिकल है, वो क्या करता है, यहाँ जो बेयर सॉइल आपकी यहाँ से उस सॉइल के पार्टिकल को डिसलॉज कर देता है, उसको हम कहते हैं स्प्लैश इरोजन। रिल का मतलब क्या होता है, देखिए आपके जब छोटे छोटे चैनल्स इस तरह से डेवलप हो जाते हैं फील्ड पे, तो इनको क्या कहा जाता है, रिल। जब यही चैनल आपके बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं, इनको कहा जाता है गली। यहाँ पर देखिए रिल की जब हम बात करते हैं तो इनको आप करेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर टिलेज प्रैक्टिस से। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रॉक फॉस्फेट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ओके, तो आप सभी को पता है जो आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं, उनको किस फॉर्म में वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करा रहे हैं, उस फॉर्म में उनको क्या कर दिया जाता है, वो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो फॉस्फेटिक क्या होते हैं, इधर दे आर वाटर सॉल्युबल, सिट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल, सिट्रेट सॉल्युबल और ऑल ऑफ दीज। तो आपने बताना है रॉक फॉस्फेट किस में आता है। ओके, तो देखिए वाटर सॉल्युबल सबसे पहला वाला आता है ना, तो वाटर सॉल्युबल में आपको याद रखना है SSP, DSP, TSP। अब मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक, आपको 16 का टेबल आना चाहिए ना, तो 16, 32 और 16 3 48% P2O5 इनमें होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आपसे पूछा गया है, सॉरी सिट्रेट सॉल्युबल में क्या आता है, यानी तो जो आपका बेसिक स्लैग होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है बेसिक स्लैग, तो वो क्या होता है सीट्रेट में सॉल्युबल होता है, जो सीट्रेट और वाटर दोनों में इनसॉल्युबल है रॉक फॉस्फेट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सीट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे आप, अच्छा एक और क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ओके, तो कौन से अपैरेटस का यूज़ किया जाता है, आपके पास न्यूट्रिएंट दिए हैं इनके डिटर्मिनेशन के लिए, टोटल नाइट्रोजन, ज़ेल्डाल प्रोसेस, बिल्कुल सही है, मेथड कौन सा हो जाएगा, एल्कलाइन परमैंगनेट मेथड, पोटेशियम न्यूट्रल अमोनियम एसीटेट, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं,
मेजर किस में किया जाता है, एनालाइज किस में किया जाता है, फ्लेम फोटोमीटर से, बिल्कुल सही है। अवेलेबल फॉस्फोरस, ओके, तो सारा फ्रैक्शन हम नहीं लेते हैं जो अवेलेबल होता है, सिर्फ उसको मेजर किया जाता है अवेलेबल फॉस्फोरस में। तो अवेलेबल फॉस्फोरस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या आते हैं, दो मेथड आते हैं, कौन से, एक होता है आपका ऑल्सन्स, एक होता है ब्रेज नंबर वन, है ना। तो ब्रेज मेथड ए बी से आप याद रखेंगे, ब्रेज क्या होता है, एसिड सॉइल में, ऑल्सन किस में यूज करते हैं हम, एल्कलाइन सॉइल में, ओके। और ये क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसको मेजर किया जाता है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्टली मैच, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको जो वीडियो है वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रॉपर मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कर दीजिए 50% फास्टर।